विज्ञान ने मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया है और आगे भी देता रहेगा। विज्ञान सिद्धांतों पर काम करता है और एक सटीकता से ही किसी भी चीज के बारे में बताता है। विज्ञान समय समय पर मिथ्स को तोड़कर उसे चुनौती दिया करता है और हम सबका अंधविश्वास भी दूर करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यंसाई की एक और बेहतरीन एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विज्ञान के उन झूठों के बारे में जो हमारे मन में ऐसे बैठ कर चुके हैं कि हम इन्हें सच ही मानते हैं और इन पर कभी गौर भी नहीं करते हैं। ध्रुव तारा सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है और वह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होता है। ध्रुव तारा काफी चमकदार है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यह एक झूठ है कि वह सबसे ज्यादा चमकदार है। सीरियस नाम का तारा ध्रुव तारे से भी ज्यादा चमकदार है, मगर अपने स्थान की वजह से ध्रुव तारे को सबसे ज्यादा चमकदार माना जाता रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर एक ऐसा झूठ है जिसे हर कोई सच मानता रहा है। इसके मुताबिक अगर जमीन पर कुछ खाने का गिर जाए और उसे हम 5 सेकंड से पहले उठा लें तो उस पर जर्म्स नहीं लगते। देखिए, अगर जमीन पर जर्म्स हैं तो किसी भी चीज के गिरने पर तुरंत ही चिपक जाएंगे, 5 सेकंड का वेट वह कभी नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पर लोग यह मानते चले आए हैं कि चंद्रमा का जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है वह हिस्सा काला है। हम सभी ये जानते हैं कि चंद्रमा को सूरज से रोशनी मिलती है, पर धरती और चांद के घूमने के कारण चांद का एक हिस्सा हमेशा ही छिपा रहता है, जिसकी वजह से यह झूठ बन गया है कि वह एक तरफ से काला है। चौथे नंबर पर है पुल्का पिंड। धरती के तापमान में घुसने के कारण, फ्रिक्शन के कारण जलता है। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि पुल्का पिंड बहुत ठंडे होते हैं, पर धरती की कक्षा में पहुंचने पर अपनी स्पीड और धरती की हवा से इतने गर्म हो जाते हैं कि खुद ही जलने लगते हैं। बिजली जहां एक बार गिरती है वहां दोबारा नहीं गिरती। बिजली के बारे में यह झूठ बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर साल भर में करीब 25 बार बिजली गिरती है। इसका अनुमान आप खुद ही बादलों की चाल देख कर लगा सकते हैं। आखिरी झूठ यह है कि कहा जाता है कि दिमाग के सेल दोबारा नहीं बनते। दोस्तों, यह झूठ कई सालों पहले तक विश्वास बना हुआ था, लेकिन 1998 में स्वेरन स्वैक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके दिखाया कि दिमाग के सेल्स भी दोबारा बन सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का मज़ा पा सकें।